हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ चारकोल मास्क क्रीम। ये है चारकोल मास्क क्रीम। तो हम आज बात करेंगे इसके फायदे के बारे में और आप किस तरह की स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, तो हम सारी चीजें जानेंगे इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये जो चारकोल मास्क क्रीम है, ये इस तरह का ट्यूब फॉर्म में आता है। अलग अलग तरह के आते हैं, जो भी ब्रांड होते हैं उनका अलग अलग तरीके का मतलब क्रीम या मास्क या जो भी है चारकोल अलग अलग आता है। ये जो मैं यूज करने वाली हूँ ये इस तरीके का ट्यूब फॉर्म में आता है। 130 ग्राम का ये पूरा पैकेट, सॉरी पूरा ट्यूब है ये 130 ग्राम का। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये जो है ये आपकी स्किन से टॉक्सिन को खींच लेता है और जिससे एक्सेस ऑयल जो होते हैं वो आपकी स्किन में वो बाहर निकल जाते हैं और आपकी स्किन क्लीन और हेल्दी दिखती है। साथ ही साथ इससे ये जो है पॉल्यूशन से भी बचाव करता है। इसमें सनस्क्रीन के भी गुण होते हैं। टॉक्सिन जो होता है ये आपके ब्लैकहेड्स, जो नोज वगैरह इधर ब्लैकहेड्स आ जाते हैं उनको भी रिमूव करता है। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को भी रिमूव करता है। इसमें मेंशन भी किया गया है एंटी ब्लैकहेड्स। इसे मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किया गया है। साथ ही ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो ये हर तरह के स्किन वाले इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इसे यूज कितनी बार करना है ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीक में एक बार यूज करते हैं, जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो तो वीक में दो बार भी यूज कर सकते हैं या वीक में एक बार यूज करें, ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक है। क्योंकि लेकिन जो ड्राई स्किन या बाकी नॉर्मल स्किन कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं उन्हें मैं कहूंगी कि कम से कम एक बार यूज करने के बाद आप 10 दिन तक गैप रखें या 2 वीक, उसके बाद आप दोबारा इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मास्क क्रीम है ये जो है ये आपके स्किन पे जो मुहासे होते हैं मुहासों को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मुहासे जो होते हैं वो ज्यादातर ऑयली स्किन वालों के फेस पे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑयल को, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, बाहर निकालता है, जिससे आपकी स्किन में ऑयल नहीं रह जाता और मुहासे वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तो आपकी स्किन साफ सुथरी नहीं दिखती, आपके स्किन के पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, तो आपके स्किन पे ना लेयर्स जमने लगती हैं, डेड लेयर्स हो जाती हैं, उनको भी रिमूव करता है ये। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं इसके डेमो की, तो मैं देख कैसे इसे यूज करना है। आप ब्रश की हेल्प से अपनी उंगलियों से जैसा आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी मोटी परत ही लगाएंगे तो अच्छा है, निकालने में इसको आसानी होगी। अगर आपके स्किन पे मुहासों के दाग धब्बे होते हैं ना तो उनको भी रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ दिखे और ग्लोइंग दिखे। इसको लगाने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट वेट करना है ताकि ये पूरी तरीके से सूख जाए। उसके बाद आपको ठंडे पानी से धो लेना है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं कम से कम 15 मिनट उसके बाद। गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, ये मास्क जो है पूरी तरीके से सूख चुका है, आप देख सकते हैं।
एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये मास्क यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, आपको हंसना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप हंसेंगे तो आपकी स्किन मुड़ेगी जिससे झुर्रियां पड़ने का डर हो सकता है। तो आपने बिल्कुल भी हंसना या बात करना नहीं है 10-15 मिनट जब तक आप ये मास्क यूज करते हैं। तो ये पूरी तरीके से सूख चुका है, अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। इससे आपके फेशियल हेयर्स भी रिमूव होते हैं, मतलब कि जो आपके स्किन पे छोटे छोटे से बाल होते हैं ना वो भी रिमूव होते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है इसको रिमूव करने के टाइम पे। अभी कहीं कहीं बचा है ये, वैसे तो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मेरे फेस को क्लीन कर लिया है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप चाहें तो कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये यूज करें, यानी कि एलोवेरा जेल। वैसे मॉइस्चराइजर से अच्छा है कि आप एलोवेरा जेल ही यूज करें इसको अप्लाई करने के बाद, उसके बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल यूज कर लिया है। ये था मेरा वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।